हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी फॉर मूवी से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइगर श्रॉफ बाकी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त बाकी फॉर के साथ वापसी करने की तैयारी कर रहे, जिनकी शूटिंग नवंबर से स्टार्ट होगी। बॉक्स ऑफिस पर टाइगर श्रॉफ के खराब प्रदर्शन के बाद टाइगर श्रॉफ सफल बागी फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने के लिए आ रहे हैं। साजिद नडियाडवाला के साथ वो फिर से जुड़ जाएंगे। ये किस्सा अब तक की सबसे बेहतरीन बागी फ्रेंचाइजी की मूवी होने का वादा करती है। जानकारी के मुताबिक बागी एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है जिनकी अब तक 3 सिक्वल देखने को मिल चुके हैं और अब बारी है उनके चौथे सिक्वल की। और दर्शक के लिए सच्ची एक्शन मूवी है, तीनों फिल्में हिट रही है और साजिद और टाइगर की जोड़ी नवंबर से बागी की चौथी किस्त स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अब तक की सबसे बड़ी बागी मूवी है और निर्माता इस साल फिल्म को फ्लोर पर ले जाने के लिए उत्साहित भी है। रिपोर्ट के अनुसार बागी 4 फ्रेंचाइजी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कास्टिंग से लेकर एक्शन कोरियोग्राफी तक हर चीज को एक मैदान ऊपर उठाया जा रहा है। फिल्म का लक्ष्य वह हैरत अंगेज एक्शन पेश करना है जिनकी प्रशंसक टाइगर से उम्मीद करते हैं। खबरों की माने तो चाहे वो कास्टिंग हो या एक्शन, ये सभी मोर्चों पर एक कदम आगे बढ़ने वाला है। रोनी के रूप में टाइगर श्रॉफ बागी 4 में अब तक की अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इस बार बागी 4 का डायरेक्शन कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर करेंगे जिनका नाम है हर्ष। उनकी भागीदारी से एक्शन से भरपूर फ्रेंचाइजी में एक नया दृष्टिकोण लाने की उम्मीद की जा रही है और ये बागी फ्रेंचाइजी को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर्ष अपनी गतिशील फिल्म निर्माण शैली के लिए जाने जाते हैं और दर्शक ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है कि वह बागी 4 में क्या कुछ नया और अलग लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप भी बागी 4 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर।